गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ऐसा प्रोग्राम या फिर ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, उसके अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सभी को कंट्रोल करता है और कंप्यूटर को यह बताता है कि हमें काम कैसे करना है। ठीक है, वो क्या होता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, समझ गए? अब देखिए, देखिए पहला ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए मास्टर कंट्रोल। क्या है? इज ए मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम दैट रन द कंप्यूटर। देखिए क्या कह रहा है ये, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक मास्टर कंट्रोल, यानी कि सभी को कंट्रोल करने वाला मेन सॉफ्टवेयर या मेन प्रोग्राम है। ठीक है, क्या है? एक मेन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं हम इसको, प्रोग्राम है जो क्या करता है, कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, देखिए क्या है, इट कंट्रोल All the parts of computer. देखिए वही बात आ गई अभी, क्या करता है ये? It control all the parts of computer. ये computer के सभी parts को control करता है और एक ऐसा program जो सबको control करता है और computer के अंदर रन करता है, यानी इंस्टॉल रहता है। ठीक है, तो नोट कीजिए आप इसको। देखिए कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनके नाम देखिए पहले। नेम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर, देखिए कुछ एक नाम है जो मैं आपको नाम लिखवा रहा हूं। देखिए पहला है एमएस डॉस, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, दूसरा है, नंबर दो पर है यूनिक्स एंड लाइनक्स। ओके, नंबर थ्री है विंडोज देखिए ये क्या है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है, कुछ एक है, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन हम कुछ एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे स्कूल कॉलेजेस वगैरह में सबसे ज्यादा काम होता है विंडो के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर? विंडो के ऊपर। अभी हम पढ़ेंगे आपका जो भी मैंने आपको कराया था विंडो 7 के बारे में, यानी विंडो जो है उसी के ऊपर ये भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ज्यादातर काम स्कूलों में ऑफिस में इसी के ऊपर काम होता है।
ठीक है, घर पर भी अगर आप काम करते हो तो किसके ऊपर काम होता है, विंडो के ऊपर। ओके, तो नोट कीजिए आप इसको। हो गया सभी का? आप देखिए, नेक्स्ट है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है वो देखिए। किसी भी काम को करने के लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, यानी कि उस काम को, जैसे कोई सॉफ्टवेयर है हमारे पास में, ठीक है, हमें तो वो सामने क्या दिखाई देता है, वो एक सॉफ्टवेयर है और उसके अंदर सीधा हम काम करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में क्या चलता रहता है, समझ रहे हो, यानी उसके बैकग्राउंड में, उसके पीछे क्या क्या चलता रहता है, क्या क्या कोड है उसको बनाने के लिए, क्या क्या लैंग्वेज यूज की गई है, वो क्या होते हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, समझ गए, यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी फाइल है, उन सबको बनाने के लिए हमने क्या क्या प्रोग्राम यूज किए, क्या क्या लैंग्वेज यूज की, कौन से कोड यूज किए, वो सब क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है, द लैंग्वेज यूज इन द कम्युनिकेशन ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इज नॉन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए क्या कह रहा है, यानी कि कंप्यूटर को समझाने के लिए, किसी भी काम को जब हम करते हैं तो कंप्यूटर को समझाने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत होती है, वो क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि जैसे हमें, हम कोई काम कर रहे हैं, उसे हम तो देख रहे हैं कि हमें वो समझ में आ रहा है, लेकिन कंप्यूटर को समझाने के लिए, यानी उसके बैकग्राउंड में क्या क्या लैंग्वेज यूज हुई है, क्या क्या कोड यूज हुए हैं, उसे कहते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा ट्रांसलेटर। क्या है? ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर देखिए क्या होता है, क्या है ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर क्या होता है हमारा वो देखिए। ट्रांसलेटर होता है कि किसी भी लैंग्वेज को चेंज करना, ठीक है, यानी कि जैसे हम कभी डिक्शनरी खोलते हैं, हम हिंदी से इंग्लिश में वर्ड ढूंढते हैं, इंग्लिश से हिंदी में वर्ड ढूंढते हैं ना सभी, तो इसी तरीके से ट्रांसलेटर आपका काम करता है। कैसे? वो क्या करेगा कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, यानी कि हमें समझाने के लिए दूसरी लैंग्वेज होगी, कंप्यूटर को समझाने के लिए दूसरी लैंग्वेज होगी, ठीक है। जैसे हम कोई भी काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर, कोई भी काम करते हैं
तो हमें समझने के लिए तो वो एबीसीडी के तरीके से लिखा रहता है, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर को समझने के लिए कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई होती है तो वो क्या यूज करता है, ट्रांसलेटर, ठीक है, वो अपने खुद को समझने के लिए एक ट्रांसलेटर यूज करता है कि ये क्या लिखा हुआ है। ओके, तो देखिए, ट्रांसलेटर इज यूज टू ट्रांसलेट यूज टू ट्रांसलेट एनी प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज। क्या करता है ट्रांसलेटर, क्या करता है कि किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी प्रोग्राम को किसके अंदर कन्वर्ट करता है, उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो देखिए, ट्रांसलेटर के थ्री टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, कितने टाइप होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं ट्रांसलेटर के। तो आप पहले इसको नोट कीजिए, हो गया सभी का। देखिए, क्या कह रहा है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। क्या कह रहा है, ट्रांसलेटर तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से हैं वो देखिए। नंबर वन इज असेंबलर, ओके। नंबर टू इज इंटरप्रेटर, ठीक है। नंबर थ्री इज कंपाइलर, ये होते हैं आपके अलग अलग ट्रांसलेटर होते हैं जो अलग अलग लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए।